पड़ोस के थे, क्या हुआ, क्या पूरी बात बताओ, कैसे क्या खाया किस, कुछ भी साहब माल में नहीं भरा कि क्या चीज ने खाई है, खाई जरूर कुछ नशा वाली चीज, मगर जय नहीं मालूम भरी क्या चीज खाई है। दोनों लोगों ने खाई, वो लड़की ने खाई है 11 बजे। अच्छा, फिर तो वो हमारा बड़ा लड़का लेके भी गया उस लड़की के सब लोग के साथ में, उसे अस्पताल में उसने 3 बजे दम तोड़ी है, इसको हम 3:30 बजे लेकर चले हैं घर से, इसने 3 बजे खाया। दोनों लोग एक ही जगह मौजूद थे जब इन्होंने खाया ये? नहीं, अलग अलग थे, अलग अलग घर दूर दूर थे, दोनों ने अपने अपने घरों पे खाया। अच्छा, 3 खंभे का अंतर है घर में घूम कर आके। कुछ नहीं पता चला था, आप कहते कोई भनक तक नहीं पड़ी, ना लड़की वालों को भनक पड़ी, ना हमें भनक पड़ी, कुछ नहीं भनक पड़ी। दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते थे फोन पे क्या? कभी साहब बातें करते देखते तो कभी तो मालूम पड़ती, और उस पर उसके लोग कहते हैं कि तुम्हारे लड़का की बात करते, मतलब कुछ ना कुछ आज भी तो कहते। कहते पता नहीं साहब क्या क्या कैसा ताज्जुब सा हुआ था, कुछ नहीं मालूम पड़ा, बस जब मालूम पड़ी जब दोनों खत्म हुए तब मालूम पड़ी कि इनके कोई वजह थी। जब लड़की खत्म, लड़की की सुनी, लड़की नहीं बचेगी, तई इसने खाई है। हाँ, सर फोन आया अस्पताल में कि लड़की जो है मचा ही नहीं, तो इसने साहब कहते ही कोई भनक तक नहीं पड़ी साहब कोई बात की। क्या नाम है आपका? शुक्लाल। क्या नाम है? मैं दयाराम। क्या हो गया? क्या कुछ पता नहीं है, मेरी दवा काम ना कर रहा था। लड़की ने क्या किया था? कब? कल शाम। कल शाम क्या खाया था? दवाई खाई थी। क्यों, कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। आपने डांटा था उसको? कुछ नहीं, लड़के के साथ कति नहीं डांटा, नहीं किसी से हमने कोई बात नहीं की। अच्छा, अस्पताल ले गए थे? अस्पताल ले गए थे, उसकी हालत हमने देखी, गर्मी थी, हम ले गए अस्पताल। हाँ, पहले जीवन में ले गए थे, फिर बाह में ले गए, वो कौन सा बोलते हैं अस्पताल, हाँ बाह में ले गए, चोलखंड में, बस लीलखंड में ले गए, लीलखंड में ले गए, खत्म ही नहीं। कुछ बताई कि आखिर क्यों खाई, कोई परेशानी ना आई घर में, सब ठीक ठाक है? उसने हमें कोई बात नहीं बताई। लड़के को बताता है ठीक हो? कोई बात नहीं बताई हमें। अच्छा, तो उसके बाद उसने दूसरे ने, किसने? बुजुर्ग लड़का था मक्खन, उससे हमें हमारी मुलाकात नहीं हुई 3-4 दिन से। हाँ, हमें देखने थाना क्षेत्र में प्रेमी प्रेमिका ने जो है कहकर यह क्या है पूरा मामला और क्या कहा? थाना कैंट में एक प्रकरण आया है जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की दोनों लोग जो हैं, दोनों लोगों ने जहर खा लिया और दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। दोनों वही काफ़ी दिनों से टच में थे, दोनों लोग आपस में उनकी बातचीत होती रहती थी, और इसी क्रम में कल कुछ ऐसी बातें खटास हो गई थी उन लोगों के बीच में, इसको लेकर फिर टेंशन चल रही थी, और वहाँ पर इसी क्रम में लड़की ने भी जहर खा लिया और देर रात लड़के ने भी जहर खा लिया। दोनों लोगों के परिवार वालों से भी बातचीत हुई है और बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है दोनों बच्चे थे, नाबालिग थे और 7वीं और शायद 10वीं क्लास पर थे। जी, ऐसी सही बात है, और सारी चीज़ों पर हम अपनी जाँच कर रहे हैं, और आगे की जैसे अगर कोई ऐसी तहरीर आती है या कोई कार्रवाई की बात होती है तो उसमें कार्रवाई भी होती है।